Hey everyone, welcome to Biology ATs. कल 11 मार्च को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 की डेट शीट फाइनली रिलीज हो चुकी है। जैसे ही डेट शीट रिलीज हुई, सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछने लग गए, दी इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नीट 2022 एग्जामिनेशन डेट पे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज हम बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट शीट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारी नीट के एग्जामिनेशन डेट पे। दूसरा, कैसे आपको नीट की प्रिपरेशन को बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ मैनेज करना है। तीसरी चीज, आपकी बोर्ड एग्जाम की अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट क्लियर करते हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट शीट ऑन नीट 2022। उससे पहले जरा जान लेते हैं कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट शीट के अकॉर्डिंग कौन सा पेपर किस दिन होने वाला है। बच्चों, 28 अप्रैल को आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, 7 मई को केमिस्ट्री, 13 मई को इंग्लिश, 20 मई को फिजिक्स, 25 मई को होम साइंस, 30 मई को बायोलॉजी, 2 जून को फिजिकल एजुकेशन, 7 जून को मैथमेटिक्स और 15 जून को साइकोलॉजी। अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट्स के मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, तो 7 मई केमिस्ट्री, 13 मई इंग्लिश, 20 मई फिजिक्स और 30 मई को आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। कुछ कुछ पीसीबी स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो 15 जून हम लास्ट डेट लेकर चल रहे हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है जी, अब क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने और नीट का पेपर शुरू होने के बीच कम से कम 1 महीने का गैप हमेशा दिया जाता है, और अगर 15 जून को आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि 26 जून को आपका नीट का पेपर होगा। तो ये तो एकदम ही अनरियलिस्टिक चीज है, तो हम मान के चल सकते हैं कि 26 जून को शायद नीट का पेपर नहीं होगा। उसके बाद जो अगला संडे है वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई को जेई एडवांस का पेपर है बच्चों, इसलिए 3 जुलाई को भी नीट कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। अगला संडे आता है आपका 10 जुलाई। 10 जुलाई को बकर ईद है, नीट का पेपर कंडक्ट करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब 10 जुलाई के बाद जितने भी संडेज होंगे, किसी भी संडे को हमारा नीट का पेपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि दी हमारे अकॉर्डिंग जुलाई में तो नीट का पेपर होने से रहा, हमारे अकॉर्डिंग तो 7 अगस्त, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त में नीट का पेपर होगा। देखो मेरे बच्चों, जितना आप एग्जामिनेशन डेट को डिले करोगे उतना ज्यादा ढिलाई आप अपनी प्रिपरेशन में करोगे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को प्रिपेयर करके रखूं कि अगर आपका पेपर 17 जुलाई को भी हो रहा है तो आप रेडी रहो। या आप लोगों के लिए कोई धक्का वाली चीज ना हो कि अरे 17 जुलाई को पेपर होने वाला है, कैसे प्रिपरेशन होगी, अभी तो बहुत सिलेबस बाकी है। अप्रैल मंथ तक तो मुझे लगता है हमें क्लियर हो ही जाएगा कि नीट की ऑफिशियल डेट क्या होने वाली है। कम से कम तब तक तो आप लोग 17 जुलाई को ही टारगेट रखो। अगर ऐसा होता है कि ठीक है 17 जुलाई को नहीं हो रहा है नीट का पेपर, उसके बाद वाले जुलाई में हो रहा है, 24 को, 31 को या फिर 7 अगस्त को हो रहा है, तो ये हमारे लिए बोनस डेज का काम करेंगे, क्योंकि हमने तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि भाई 17 जुलाई को मेरा पेपर होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपनी नीट की टारगेट डेट आप लोग 17 जुलाई लेकर चलो। वैसे तो मैं सोच रही थी 26 जून लेकर चलो, लेकिन मुझे पता है 26 जून बोलोगे तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डांटने लग जाओगे कि 26 जून तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 17 जुलाई टारगेट रखना और इस तरीके से ही नीट की प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो इंपैक्ट वाला डाउट तो एकदम क्लियर हो गया ना। आपकी नीट और बायोलॉजी की प्रिपरेशन खूब अच्छे से होती रहे, खासकर मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई कमी ना आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीस पर मैंने आप लोगों के लिए 200+ पीडीएफ फाइल्स अपलोड करी हुई है, जहां पर आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने अकेडमी पर हर रात 9 बजे फ्री लाइव क्विजेस कंडक्ट करवाते हुए आप लोगों को चैप्टर वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाती हूं। मई मंथ में मेरा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का सिलेबस है उन चैप्टर से चैप्टर वाइज खूब सारे क्वेश्चंस पूछूं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर के दिन आप लोगों को हर एक क्वेश्चन लगे कि यार ये तो दीना पूछा था, ये तो मुझे आता है। नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन हर दिन बरकरार रहे उसके लिए अनअकैडमी पर फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रही हूं मैं डेली। 2 स्लॉट में मॉक टेस्ट होते हैं, 3 to 3:30 PM और दूसरा मॉक टेस्ट होता है 10:40 PM to 11:10 PM। दोनों मॉक टेस्ट का लिंक मॉक टेस्ट शुरू होने से 10 मिनट पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाता है। इसी के साथ साथ इस संडे 13 मार्च को सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर 45 मिनट्स का एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी नीट UG मेगा कॉम्बैट नाम से, जिसमें क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इस टेस्ट में बच्चों आप लोगों को टोटल 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होने वाला है। पेपर खत्म होने के बाद वीडियो सॉल्यूशन के जरिए आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों के लिए क्या फायदे की बात है? फायदे की बात यह है कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे 500 लकी विनर्स को JBL प्रोडक्ट्स, Amazon वाउचर, Dell लैपटॉप, Samsung मोबाइल फोन जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
टॉप 500 रैंकर्स को अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिलेगा। जहां टॉप 3 रैंकर्स की बात करूं तो मेरिट सर्टिफिकेट मिल रहा है और 100% डिस्काउंट मिल रहा है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। तो बायोलॉजी एटीज कोड यूज करते हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है उस लिंक के थ्रू आप लोग अन अकेडमी नीट यूजी मेगा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स जानी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एक बार ढंग से चेक करिएगा और इस फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अब मैं बात करती हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की, कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज, जो भी चैप्टर आप कर रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, साथ ही नीट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस भी करिएगा, क्योंकि अगर आपको इसी साल नीट क्रैक करना है तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज का ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना है, उन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी जरूर करिएगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से देखा गया है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में 70% क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज से ही घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अब बोर्ड एग्जाम की डेट शीट क्योंकि रिलीज हो गई है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ मुझे बोर्ड ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। बोर्ड ओरिएंटेड करो लेकिन थोड़ा सा नीट को भी इंपॉर्टेंस दे दो, क्योंकि इसी साल मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना रखा है ना। तो इसीलिए जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में आ रहा है, उस चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ना कि जब बोर्ड का पेपर खत्म हो जाएगा तो मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा प्रिपेयर्ड रहे कि मैं बस नीट से 1-2 हफ्ते पहले इसको रिवाइज करूं और मुझे पता हो कि यार ये मुझे अच्छे से आता है, नीट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड है। और उसके लिए क्या करना है, उस चैप्टर की एनसीईआरटी बेस्ड इन डेप्थ स्टडी करनी है और उस चैप्टर से रिलेटेड नीट के 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री के लिए कम से कम 9 से 10 दिन दीजिएगा प्रिपरेशन के लिए। ये मत सोचना यार केमिस्ट्री में थ्योरी थ्योरी तो होती है, हो जाएगी मेरी आराम से, खूब टाइम लगा के पढ़ाई करना क्योंकि आपके पास खूब सारा समय है अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करने लायक। इसीलिए जब आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर लो उस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड्स के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करना, नीट के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करना, एनसीईआरटी बेस्ड इन डेप्थ स्टडी आप लोगों को करनी है। फिजिक्स की बात करूं, डर लगता है भैया, लेकिन जितना डरोगे फिजिक्स और डराएगी, तो हमको डरना नहीं है, फिजिक्स के इस डर से डटकर सामना करना है। आपकी इंग्लिश के पेपर के लिए 6 दिन का गैप है, यार 6 दिन लगातार इंग्लिश तो तुम पढ़ोगे नहीं ना, आपको भी पता मुझे भी पता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए जो 6 दिन का गैप है, शुरुआत के 3 दिन हमने फिजिक्स पढ़ लिया और आखिर के 3 दिन हमने इंग्लिश कर दी, या फिर शुरुआत के 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिया आखिर के 4 दिन हमने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर दी। फिर फिजिक्स के लिए आप लोगों को 7 दिन का गैप दिया हुआ है, खूब अच्छे से आपकी फिजिक्स जाएगी। फिजिक्स का जो भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड नीट के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं और बोर्ड्स के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के लिए आपको पूरे 10 दिन का गैप मिल रहा है, 10 दिन का गैप, 6 चैप्टर है भैया, आराम से हो जाएंगे। इन 6 चैप्टर से भी रिलेटेड बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस करने हैं और नीट के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि बायोलॉजी का बोर्ड का जो सिलेबस है आपका अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, हो सके तो बायोलॉजी के एक एक्स्ट्रा यूनिट कर लेना जो कि आपके बोर्ड्स में नहीं आ रही है लेकिन नीट में तो आएगी। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बायोलॉजी का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो रखा है, 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, शुरुआत के 3 दिन आप लोग क्लास 11 का कोई यूनिट कंप्लीट कर लो या फिर कोई भी 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो ताकि नीट की तैयारी भी हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं बोर्ड्स के भी और नीट के भी। अब जरा आपके सिलेबस को फटाफट देखा जाए और आपको बताया जाए कि पहले कौन से चैप्टर्स करने सही रहेंगे। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी के जो 2 चैप्टर्स हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं ना, तो इनको लास्ट में पढ़िएगा क्योंकि डिफिकल्ट चीज पहले करने लग जाओगे तो कॉन्फिडेंस की वैसी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर कर लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फिर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन करना, फिर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस यूनिट वाइज एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अपलोडेड हैं, एकदम फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करते हुए खूब सारे क्वेश्चंस वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताइए कि आप लोगों ने अपना क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की टारगेट स्कोर क्या रखा हुआ है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई एम स्कोरिंग 95% इन बोर्ड एग्जाम्स 2022 या फिर 90% इन बोर्ड एग्जाम्स 2022, 98% इन बोर्ड एग्जाम्स 2022। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को लग रहा है यार बोर्ड्स तो मेरे हो गए तो नीट का स्कोर बता दो, आपका नीट का ड्रीम स्कोर क्या है। आई एम स्कोरिंग 700 इन नीट 2022, 680 इन नीट 2022। मेंशन योर टारगेट स्कोर फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 या फिर नीट 2022 इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और उस कमेंट को पोस्ट करने के बाद खुद को चैलेंज देते हुए तैयारी शुरू करो मेरी जनता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।